या ये बिल्कुल अपना चिपलोटे, चिपलोटे अजीब नाम चिपलोटे है इसका। सॉस। अजीब लगता भी है निकलने के बाद। दिस इज मी, दिस इज यू, दिस इज गियर ऑल वी नीड। वाली चला लिया तो ये बहुत टाइट लग रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सो के उठ चुका हूँ, आज उठने में लेट हो गए हैं। क्या टाइम हो गया अम्मी? 10:30 बज गए। तो 10:30 बज गए, आज उठने में लेट हो गए थोड़ा। रेहान उठ गया? नहीं, रेहान भाई भी सो रहे हैं वो तो मुझसे भी और ज्यादा रात लेट को लतीफ ही है। तुम दोनों की बात हुई थी। सुबह जल्दी उठ जाएंगे और सुबह जल्दी वीडियो शूट करेंगे। तो तुम्हें उठा देना चाहिए था ना। अब मैं तो पानी में लगी हुई थी, नल चल रहे थे, पानी अरे यार तो लग, तुम उठा दिया करो ना। और सोनम कपड़े धो रही थी इसलिए हमने ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारे ऊपर। हानिया उठ गई? हानिया भी अभी उठी है, अभी उसकी अम्मी ने दूध पिलाया उसे। चलो गाइस, तो अब मैं तो उड़ गया हूँ, अब मैं काम करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, नहा धो लेता हूँ। जब तक भाई भी उड़ जाएगा तो फिर आज उठते से पहला काम ये करेंगे कि वीडियो शूट करेंगे। सुबह उठते से वीडियो शूट हो जाते हैं ना तो यार ऐसा रहता है कि काम जल्दी जल्दी हो जाता है, वरना तो फिर दिन हो जाता है, तो दिन में फिर है ना शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, तो वीडियो शूट करने में मज़ा भी नहीं आता है, फिर वीडियो अपलोड करने में भी लेट हो जाता है, क्योंकि फिर शूट करने के बाद एडिट भी करना होता है वीडियो को। तो अब नहा धो लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो गाइज, अब मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और भाई भी उठ गया है, भाई भी वॉशरूम गया है और हानिया भी उठ गई है। हानिया भी मस्ती कर रही है। हानिया हानिया पे क्या जा कर रही है? हानिया तो ये हानिया यहाँ पर चढ़ाव है, यहाँ पर सीढ़ियों पे बार बार चढ़ती है और साइड में रेलिंग भी नहीं तो गिरने का डर रहता है, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। और भाई हमारे यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं। तो अब ये भी फटाफट नहा धो के रेडी हो जाओ तो आज अपन जल्दी से वीडियो शूट कर लेंगे ना। जल्दी से वीडियो शूट करने के लिए मैं फटाफट नहा लिया हूँ, क्योंकि फिर काम जल्दी हो जाता है, जल्दी अपलोड हो जाता है। और अब नाश्ता कर लेते हैं। तो भाभी नाश्ते में क्या है? नाश्ते में अभी तो भीगे हुए चने थे। हाँ तो भीगे हुए चने और बादाम और दूध पी लेंगे साथ में, तो अच्छा नाश्ता हो जाएगा हेवी। तो स्टार्ट नाश्ता अपना करते हैं। और गाइस हानिया देखो क्या देखती है, हानिया देखती है टमाटो कसीटा और सेम इसकी तरह डांस भी करती है। और अभी तो देखने रही, अभी तो कुछ और खेल में लगी हुई। हानिया क्या कर रहे हो आप? हानिया क्या कर रहे हो, गिर जाओगे यहाँ पे मत आओ। हानिया क्या करती है, पलंग पे चढ़ती है और पलंग पे चढ़ के यहाँ किनोर पे आ जाती है, यहाँ किनोर पे आ जाती है और यहाँ पर ये गिरने का डर रहता है, इसका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इतने बड़े बच्चों का ये फिर गिर गई है, देखो पलंग पे ही गिर गई है। तो गाइज अभी हमारा नाश्ता आ चुका है, उबले हुए उबले हुए नहीं, पानी में गलाए हुए चने, भीगे हुए चने, भीगे हुए और बादाम। और इधर हानिया बैठी हुई है, अभी कार्टून चल रहा था टीवी में हानिया का। मैं भी अब नाश्ता करके नहा लूँगा फटाफट और रेडी हो जाऊँगा। तो गाइज अभी मैं भी नहाने जा रहा हूँ, आज पहनूंगा ये वाले कपड़े। कैसे लग रहे हैं? ये भी शर्ट एकदम मस्त मोटा मोटा सा है कपड़े का, तो ठंडा मौसम हो रहा है, मुझे तो कोल्ड भी हो गया भाई, तो ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए जो गर्म रहे। तो मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी हम जा रहे हैं बाहर बर्गर का कुछ सामान लेने। आपको पता ही है कि लास्ट ब्लॉग में हमने बेंजो बनाए थे और इस ब्लॉग में हम बनाने वाले बर्गर। बर्गर का जो आलू टिक्की का मसाला रेडी हो रहा है, इधर सोनम का रेसिपी भी शूट हो रहा है। और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा एक सॉस लेके आना है, एक मायोनीज लेके आना है, वो भी तंदूरी, तो वो लेके आते हैं। चलो चलते हैं। एक किलो घी देना। अंकल विवा का चीज चिपोतले सॉस। विवा का चीज चिपोतले। तो अभी मेरे फ्रेंड से बात हुई, उसने चीज चिपोतले सॉस सजेस्ट किया था तो वही ले लिया हमने। चलो चलते हैं। चलो भाई आ चुके हैं घर। तो ये देखो, ये है वीबा का चीज चिपोतले। वो सब तो ठीक है पर इसमें ब्रेड नहीं है। ब्रेड लाना तो भूल ही गए। अरे यार ब्रेड नहीं है, मुझे लगा ब्रेड अपन लाए थे उसकी बची होगी, मुझे तो याद था ब्रेड का। ब्रेड है पर दो तीन ब्रेड कम पड़ रही है। चलो लेके आते हैं फिर। चलो भाई ब्रेड लेके आते। इधर देखो अभी इतनी तैयारी हो गई है, टिक्की बन रही है और ये काय का मेहंदी का हुआ है।
ये मैदे और रवे का, मैदे रवे का बैटर है, और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में करके मस्त फ्राई करेंगे। चलो भाई फिर चलते, फिर हानिया को घूमने का मौका मिल गया है ना, तो बर्गर बन भी ले लिया है, अब कुछ नहीं लेना है, अब चलते सीधा घर। तो गाइस टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है, आलू की काफी क्रिस्पी हो चुकी है, बढ़िया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम टिक्की बनाना ही होता है बर्गर में, अब ये बन गया है, अब सटासट बर्गर बन के रेडी हो गया। हाँ डेढ़ घंटे में बनी है, वही तो बोलो सबसे जरूरी काम यही होता है। क्या वो निकल नहीं रहा है क्या? तो यह ये अपना चिपलोटे, चिपलोटे अजीब नाम है इसका, सॉस अजीब लगता भी है निकलने के बाद लेकिन टेस्टी बहुत होता है। चीज चिपलोटे, ये इस पे रख दिया। अभी गाइस देखो चार बर्गर रेडी हो चुके हैं अपने, चार बर्गर रेडी हो गए हैं, उधर हमारे बन टोस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये कौन सा है? ये टेंगी मायो, टेंगी मायो, और ये चिपलोटे चीज, चिपलोटे चीज। और फैलाव भी अच्छा खासा हो गया है। फैलाव तो होता है यार, ऐसे सब काम करो ना तो फैलाव तो होता है। गाइस हमने 300 रुपए के सामान में 10 बर्गर बना लिए, जो कि बाहर अगर लेते हैं तो कम से कम 1000 रुपए के तो आएंगे, ज्यादा नहीं तो, कम ही बोल रहा हूँ मैं 1000 रुपए। और ये वाले बर्गर अगर कोई ज्यादा महंगी जगह से लेंगे तो 3000 के भी पड़ जाते हैं। हाँ चलो भाई बर्गर बन चुका है अपना, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। बढ़िया लग रहा बर्गर, घर में बनाओ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस बर्गर बन चुके हैं और ये रहे, अब अम्मी और फैजान खाएंगे और बताएंगे कि कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। बहुत बढ़िया, बिखेर देगी। हाँ इधर साइड पे रखेंगे। हानिया बीबी खाएगी, खा ले। चलो अब अम्मी की बारी। बर्गर में क्या है, तमीज वमीज सब भूलना पड़ता है, सटासट खाओ। मुंह भरा है तो भरा है। अच्छा बहुत बढ़िया, मजेदार, अच्छा बनाया तुमने। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतना अच्छा बना सकता हूँ। मैकडोनल्ड्स से अच्छा लग रहा है सच में भी। लो याला, लो याला। तो गाइस इमरान मामू आए और हानिया देखो कैसे देख रही है चढ़ाव पे खड़ी होके। उमर चाचू आए हैं तो हानिया देख रही है। इमरान मामू और साथ में उमर भी आया है, हानिया उनका वेलकम करने के लिए खड़ी है। आज तो भाई नहीं है। सलाम अलैकुम। तो गाइस हानिया देखो इनका वेलकम करने के लिए खड़ी है, इमरान मामू है, साथ में उमर आए, आ जाओ अंदर। है हानिया इधर आओ, हानिया इधर आओ, चॉकलेट दे उसको, चॉकलेट दे, ये तो भूखों को दे देना। लो हानू, हानू वो चॉकलेट, अरे 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 फेंकना नहीं, हर चीज फेंक देती हानिया। आ जाओ चलो। तो अभी जाहिद आया है और जाहिद और मैं जा रहे हैं कहीं भटकने संडे को। हम भटकते संडे को, वैसे बहुत सारे संडे छूट गए अभी हमारे, पिछले दो तीन संडे, पिछले दो तीन संडे, एक बार संडे को जाहिद अपने ऑफिस वालों के साथ चले गया था, एक संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच था, दो संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो उस दिन हम नहीं गए। मैच तो है शाम को है पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो वो शाम को घर आके देखेंगे, और वैसे हम कहीं दूर जा भी नहीं रहे, दूर तो जा रहे हैं थोड़ा सा, मात्र 40 किलोमीटर 20 जाना 20 आना। जगमगाते हैं, जगमगाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे, रोशनी रहे अपने वास्ते।
टू व्हीलर का फायदा तो गाइस पहुंच चुके हैं हम शिप्रा नदी के किनारे। हम आए हैं भुट्टा खाने। ये देखो ये पूरी नदी है, अभी दिखाऊंगा उतर के। तो ये देखो गाइस शिप्रा नदी। डर लग रहा है भाई फोन नीचे ना गिर जाए। तो हम खाएंगे गर्मा गर्म भुट्टे यहाँ पर। तो हम 30 से 35 किलोमीटर भुट्टा खाने ही आए हैं यहाँ पर इतनी दूर। सोचो हमारे मतलब कितने ठाट बाट है, भुट्टा खाने 35 किलोमीटर आते हैं। जबकि हम पास से भी खा सकते थे, पास से भी खा सकते थे, पर ये व्यू नहीं दिखता वहाँ से। संडे का दिन है तो भाई थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो आ गया है अपना भुट्टा। This is me, this is you, this is all we need. अमेरिकन और देसी में बहुत फर्क हो जाता है ना। अमेरिकन अच्छा लगता है, मीठा रहता है। लोग पानी में कचरा फेंक रहे हैं। इंदौर में नहीं है, इंदौर में होता तो अलाउ नहीं होता। इंदौर में तो नगर निगम वाले उठा के ले जाते हैं वालों को भी। अभी हम इंदौर से बाहर है, देवास बॉर्डर पे है ना। यहाँ से 10 किलोमीटर पे देवास शुरू है। आपने कुंभ के मेले का नाम तो सुना होगा। तो उज्जैन में कुंभ का मेला जो है इसी शिप्रा नदी के किनारे लगता है और ये 190 किलोमीटर तक लंबी है। एज आप देख सकते हैं उज्जैन में भी है और अभी देवास में और भी बहुत सारे शहरों में है और मंदसौर में शायद इसका एंड होता है, MP और राजस्थान की बॉर्डर पर। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐतिहासिक नदी है। तो अब हमारा काम हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो भाई इंदौर पहुंच चुके हैं। सो गाइस हम अभी आ गए हैं डीकैथलॉन, जो कि इंदौर में ही है। इंदौर में ही है और हम अभी तक, मैं तो अभी तक नहीं आया था, तो हमने देख लेते हैं कैसा है। नहीं अच्छा है, स्पोर्ट्स के अगर आइटम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स की चीज़ों के लिए सब मिल जाएगा आपको। स्पोर्ट्स और एडवेंचर आपको पसंद है तो यहाँ आके आपको शॉपिंग करना बनती है। सामने छोटी बच्ची देखो कैसे सो रही है, इसको देख के हानिया की याद आ गई। और हम इंटर हो चुके हैं गाइस, देख सकते हो अंदर से रैकेट्स। ये तो मुझे लेना है पर यहाँ नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा ही महंगा है भाई। ये टेस्ट मैच की टी शर्ट कपड़ा अच्छा अच्छा कपड़ा तो बहुत सॉलिड है। नहीं नहीं बहुत अच्छा, नीचे से होता तो खरीद लेता अब तक। ये पूरा आर्मी लुक में सारी टी शर्ट। गोगल कितने सही है, इधर का एरिया भी कवर कर लिया है। जाहिद साइकिल देख रहा है। एक्सपीरियंस आपका बताइए। काफ़ी स्मूथ है और ऐसा लगा गियर वाली है ना, गियर वाली है इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी बहुत स्मूथ है, मज़ा आ रहा चलाने में। गियर वाली चला लिया तो ये बहुत टाइट लग रही है ना। तो गाइस अभी जाहिद और मैं खेल रहे हैं कैरम प्रोफेशनल जो कि पता नहीं कब खेला था मैंने लास्ट टाइम। मैंने भी बचपन में खेला था। मैंने भी ओ गई गई गई
सीधा वाइट वाली घुस। चलो आज डीकैथलॉन भी देख लिया है, अब चलते हैं घर। अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधे घर जाएंगे क्योंकि वीडियो शूट करना है भाई, वीडियो शूट करना है। अंधेरा भी हो चुका है गाइस। तो गाइस मैं घर आ गया था और अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ आपने देख लिया और व्लॉग की स्टार्ट जो की थी वो फैजान ने की थी, तो उस फैजान का व्लॉग कैसा लगा आपको ये भी बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।